सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। अपनी कॉमेडी और बेहतर अभिनय के लिए मशहूर फिल्म कलाकार राजपाल यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में राजपाल यादव बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक राजपाल यादव शुक्रवार को कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं, जिसके बाद उनको प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर 3 अप्रैल को दिल्ली पहुंचे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। राजपाल यादव ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित से मुलाकात भी की। कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर तब राजपाल यादव ने इनकार कर दिया था। हालांकि उनका कहना है कि जब भी चुनाव लड़ेंगे दिल्ली से ही लड़ेंगे। मीडिया से बात करते हुए राजपाल यादव ने कहा कि मैं दिल्ली आता रहता हूं तो शीला दीक्षित से मिलता रहता हूं। मैं जब भी दिल्ली आता हूं सभी से मिलता हूं और आशीर्वाद लेता रहता हूं। कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर राजपाल यादव ने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, आगे जैसा भी होगा सबसे पहले मीडिया को बताया जाएगा। बता दें कि इससे पहले 27 मार्च को राजपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर भी चर्चाओं का बाजार खासा गर्म रहा था।